जो है वो दूसरे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है। ये नहीं कि अपने शोहर के प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाए। गाइस मैं आप लोगों को ये बात बताती हूँ, मैंने अपने मिनी ब्लॉग्स में कुछ परफ्यूम गिव अवे किए हैं। उसी के नीचे तो वो रोने लग गया बाबा, फरिया फरिया कहाँ है ये, दिखती नहीं है, निकालो इनको बाहर कमरे से। इधर 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 डॉक्टर तो खुद घर में है, वो देखो ना टोपी वाला डॉक्टर, टोपी वाला डॉक्टर, टोपी वाला डॉक्टर। ये यार ये यहाँ पटरा पड़ा हुआ था और मैं इसी पे बैठ गया हूँ, अभी इन दोनों को देख रहा हूँ। एक जगह मॉम काम कर रही है, एक जगह सबा काम कर रही है। गुड वर्क, कीप इट अप, कीप इट अप। लस्सी खुद बनाई है, क्योंकि हम लोग जब बैठते हैं ना टेबल पे तो बस यही होता है, लस्सी कैसे बनी, बस चख के बताओ सहन, पापा चख के बताएं, बस लस्सी लस्सी लस्सी। तो मैंने कहा प्लीज आज खुद बना। सही नींद आ रही थी यार, मतलब जैसे ही आधे रमजान होने लगते हैं ना, समझो सुस्ती चलने लगती है। क्या मतलब शैतान जो है वो खुलने लगता है क्या? मतलब कि यार शुरू के जो रमजान होते हैं ना वो ऐसे गुजरते हैं, ऐसे आप फुल चार्ज होते हो, लेकिन जैसे जैसे रमजान कम होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे बैटरी लोते जा रही है। भाई आगे जो है सारी तैयारी हो रही है और पीछे जो है वो दस्तखान लगते जा रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। ये किधर गया टपाटूस? मैं तो उसको उठाने आया था, पहले से ही उठ गया है, गेट तो नहीं खोला इसने कहीं। जल्दी उठ बे, सोता रहता है, क्या हो गया? अबे 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 क्या बोल रहा तू, अंदर वॉशरूम में जल्दी बता, बरम दिखा रहा है। बेटा बात सोता है क्या? अबे 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 तो भाई सब खत्म करते हैं। ये क्या हुआ? ओए ये आग लगी थी यहाँ पर क्या? जल्दी टपाटू जल्दी, अबे टपाटू इधर आग लगी थी क्या? अबे नहीं बे, ये क्या है? ये उसका अगरबत्ती का। अच्छा अगरबत्ती का है। अबे टपाटू तूने देखा कल सब्सक्राइबर ने दिया था हमें, ये कैसा लग रहा है? ये देखा अच्छा लग रहा है। गाइस आज हम पापा को उठाते हैं, टाइम बहुत हो गया है। पापा टाइम हो गया भाई, पापा जो है ना 4 बजे उठ जाते हैं, आज 15 मिनट लेट हो गए। तो बैठ चुके हैं सहरी पर। चिकन का सालन लग रहा है भाई, ये कढ़ाई तो नहीं है? चिकन है, जस्ट चिकन का सालन कढ़ाई की तरह। चलो गाइस ट्राई करते हैं, कोई नई डिश बनाई है उन्होंने। आजा 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 गाइस सब रोज पूछते हैं, जब भी खाना बनाती है ना तो पूछते नमक ठीक है, क्योंकि एक दो बार ज्यादा कर चुकी है ना ये, तो हमेशा पूछती है कि सही बनाया। तो भाई खाते फटाफट से सहरी। The next day. क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? दिखाओ पापा को। अच्छा ओ ये खाया है, अच्छा जेली खाई है। खड़े हो जाओ, ओ एक्टर, ओ एक्टर, ओ एक्टर, ओ एक्टर, ओ एक्टर। बहुत गाइस बहुत उई उई चीख रहा है, चीख रहा है गाइस। माशाल्लाह बहुत शरारते करते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या हो गया? ओए दादा को उठा रहे, पागल हो गया क्या? दादा को उठा रहे, इधर प्लीज मां जाके, दादा को उठा रहे, वहां चीख रहा है। लो भाई अब यहाँ सो रहे हैं। ये तो गया। तो गाइस फटाफट मैं रेडी हो चुका हूँ, लेकिन अभी जो है ना वो सीन चेंज हो गया है। सीन ये है गाइस, सभा का जो है ना वो शूट है आज, कोई प्रमोशनल, तो हमें उस घर जाना है और बासिल को यहाँ पर हमने फरिया के पास छोड़ना है। अबे संभाल लेगी इसको? मैं संभालूंगी सर। बस ठीक है, देख रोना नहीं चाहिए, जब रोए कॉल कर लियो। हाँ ठीक है, अभी कार्टून वार्टून लगा दी, बासिल जरा अकेला रहेगा। मम्मी ठीक है, मैं उस घर पे जा रहा हूँ। सही है, ओके थैंक यू। मॉम बड़ी मेहनत करती है भाई, सहरी में, इफ्तारी में, लिटरली भाई आई लव यू मॉम। बस चलो यार, अभी तो गाइस अंदर शूट ही चल रहा था और साथ साथ अजान की आवाज़ आई, तो मैंने शूट रुकवाया और मैं अजान सुनने आ गया हूँ। तो यस असर की अजान हो रही है, मुझे लगता है शूट हो रहा है ना, तो शूट होते होते मुझे लगता है अफ्तारी भी यही ना हो जाए। हमारे सारे बैट देखो यहाँ पड़े हुए, 1 2 3। इस बार तो रमजान में क्रिकेट खेला ही नहीं हमने यार, कोई प्लान बनाते जिसमें हम लोग अपने इन बैट्स को यूज तो करें गाइस, वरना ये पड़े पड़े सड़ जाएंगे। असल में एटीट्यूड बॉय गए हुए ना, वो आएगा ना उसके बाद फिर हम लोग प्लान कर सकते हैं क्रिकेट खेलने जाने का, क्योंकि सबसे बड़ा शौकीन ही एटीट्यूड बॉय है, क्रिकेट लवर। गाइस बेगम जो है वो दूसरे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है, ये नहीं कि अपने शोहर के प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाए। गाइस मैं आप लोगों को ये बात बताती हूँ, मैंने अपने मिनी ब्लॉग्स में कुछ परफ्यूम गिव अवे किए हैं, आप लोगों ने जाना है और कैप्शन देख के बस फॉलो करना है कि क्या क्या है, और आप लोगों को मिलेंगे फ्री में परफ्यूम। इससे पहले पहले स्कूटी लेवल की आ रही है, ऐसी तेज चलती है ना, ये ब्रेक भी है। आज भी क्या हरकत कर रहे हो? अच्छा इसका हैंडल नहीं मुड़ता। टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है, चले। अरे भाई कैसे चुपचाप बैठे कार्टून देखे जा रहे हैं भाई? हाँ मिस के मामा को, हाँ 5-10 मिनट के लिए। इधर क्या हुआ, इसके इधर भी लग गए चुटक गया, पता नहीं
वो ये सर फटा दोबारा, ऊपर देखो लो भाई गाइस पता लग जाता है जब भी इसका निशान था, फ्लैश लाइट ऑन करो ना तो निशान बनता है येलो येलो। देखो अभी इधर कहीं चोट लगी थी इसके, अभी इसके इधर लगा ली। बेगम का शूट जो है वो खत्म नहीं हुआ, तो शीशा उठा के लेके जाना रूम में। ओए भाई साहब शीशा ना टूट गया है, ओए काफी बड़ा शीशा है। मॉम क्या क्या बना है आज इफ्तारी में? आज लगता है सारी इफ्तारी तो आज नहीं, आप नहीं बनाई आज मुझे लग रहा है। नहीं नहीं मैं जो बनाती हूँ बस वही बनाई। तो फिर मतलब सभा तो आप शूट में लगी हुई थी, दोस्तों तो कुछ नहीं बनाया आज। आज जो है हमने कुछ ऐसा बनाया ही नहीं है, बाजी ने बनाई है मेरी चीजें, उसने फ्रूट चाट काटी शरबत उसने। अच्छा बाजी ने कर लिया काम, अरे वाह भाई वाह। तू कब काम करेगी बे? कब सुनने में आएगा कि फरिया ने भी कुछ बनाया है इस रमजान? कुछ बना ही ले इंशाल्लाह अगले रमजान। तो गाइस आज जो है ना पापा फुलके ने खुद नहीं गए, टमाटर को भेजा था और एक फिर सीन हो गया। टमाटू जरा और टमाटू की तो क्या हुआ जल्दी बता। फुलकियों के साथ पापा ने बोला था कि लड़कों से लाना दो, लेकिन मैं बड़े मियाँ से ले आया। बड़े मियाँ के पास तो क्या ज्यादा रश था, लड़कों के पास रश। फिर बड़े मियाँ ने क्या पूछा तुझसे? बड़े मियाँ ने पूछा क्या नाम है अब्बा का? मैंने बोला सफदर। बोले हाँ आते हैं। जानते हो नाम से थोड़ी जानते कोई मेरे को? मतलब लिया है सही जगह से ही लाया है? नहीं नहीं लाया। तो गाइस मेरी ट्रे बन चुकी है जिसमें एक हमारे ये ब्रेड पिज्जा रोल, समोसा और आलू का पकौड़ा और मिक्स पकौड़ा, मिर्ची भी है। अरे वाह भाई वाह। तो आज हम खाएंगे भाई फिर ये, फटाफट दुआ मांग लेते फिर खाएंगे भाई सब। तो भी खाते हैं फिर मिलते हैं आपको। किस टाइम जब हम लोग वहाँ गए थे उस घर में? हाँ उस घर में गए थे, पापा ने सबको पिलाए सबको, तुम दोनों बच गए। हम नहीं थे ना, बच गए हम तो। आपको भी गुस्सा कर दिया? फिर मेहमान चोले रखे हुए थे ना सोफे पे, हाँ। चोले रख देती हैं, ये नहीं कि कोई बैठे बैठे ही ना। मैंने नहीं रखे थे बल्कि चोले। सबसे गुस्सा किस पे किया? टमाटर नहीं, फरिया। फरिया में क्या सबसे ज्यादा? फरिया में क्या हुआ? फासिल ना यहाँ नीचे फंस गया था। अच्छा गिर गया एकदम ना नीचे, हाँ। कुर्सी के नीचे, तो वो रोने लग गया पापा। फरिया फरिया कहाँ है ये, दिखती नहीं है, निकालो इनको बाहर कमरे से। गाइस पापा को आज रोने लग गया था भाई, शुक्र हम थे नहीं। पापा की तबीयत भी खराब है इसलिए और ज्यादा रोने लग गया। तो अभी पापा जी से नमाज पढ़ लें और फिर हम देखते हैं डॉक्टर की टाइमिंग। फिर पापा को लेके जाते हैं डॉक्टर के यहाँ। पापा बोल रहे कि मुझे उसके बाद जाना है, मुझे नाम नहीं आ रहा उसका, मोहरे मोहरे का दर्द वाला, तो उसके पास जाना है। और क्योंकि पापा के यहाँ पे शायद नस वस का कोई मसला आ गया, तो देखते हैं कब बैठता है वो, फिर चलते हैं। अब तुझे डांट पड़ी सुना मैंने यार, ये बासिल जो है ना हर चीज में घुसता है और गिरता है, तो फिर तो उसके ऐसे मुझे डांट पड़ती है उसके। तू देख नहीं रही होगी ना उसको? मैं उसे देख रही हूँ, अगर मैं थोड़ा सा यूं ही वो गिर गया वहाँ पर, ये होता है। तुझे डांट पड़ गई? हाँ। मैं क्या कर रहे हो बाहर? क्या बाहर फेंक दिया देने के लिए? क्यूँ? क्यूँ निकाल दिया ये? निकाल दिया बट उसको निकाल दिया। मुझे क्या पता, अब तेरी शादी में काम आएगी ड्रेसिंग टेबल यार, ये छोटी सी। कभी भी ये लोग कुछ भी चेंज करते ना घर के अंदर से भाई। अभी पता नहीं ये निकाल दिया भाई, अब पता नहीं सर क्या होगा, पता नहीं निकालने की वजह क्या बनी ये भी नहीं पता। वजह क्या बनी वजह तो बता दो। वजह ये कि सिर्फ वहाँ शीशा रखना है। अच्छा बस ये हटा देना है। गाइस मैं निकल पड़ा हूँ भाई पापा को डॉक्टर ले जाने के लिए, लेकिन पापा साथ नहीं है। तुम लोग बोल रहे हो तो किसको लेके निकला है भाई? पापा ने क्या किया भाई, मैं वॉशरूम गया, पापा फटाफट से नीचे उतर गए, निकल गए भाई गार्ड भाई के साथ। तो अब जो है ना मैंने बोला किधर पहुंच गए भाई, मुझे थोड़ा सबर तो कर जाते। पापा को मतलब बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा था, फटाफट निकल गए। तो पापा भी आगे रुके हैं और अब पकड़ते भाई पापा को और फिर पापा को बिठा के लेके चलते हैं भाई। पापा से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था घर के अंदर, पापा से नहीं रहा जा रहा। गाइस काफी ज्यादा दर्द हो रहा है पापा के। पापा मिल गए, पापा मिल गए, पापा मिल गए। अब इतनी जल्दी निकल गए आप? चले जाएगी आप, बैठे दो मैं निकाल लूंगा, आ जाए बैठे। अच्छा माइक किसके पास है आपको कुछ पता है इसको क्या कहते हैं? मोरे बिठाते हैं यार वो ना। अच्छा पुराने अंकल है कोई यहाँ पर? हाँ बहुत पहले मैं आया हूँ, मेरे गर्दन में गर्दन के मोले की तकलीफ हुई थी ना जब भी आया। अच्छा भाई फुल गटर बहरा गाइस यहाँ पर तो। ओए 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 पर गाड़ी हमारी चले जाती है, आपने देखा ना पहाड़ भी चले जाती है। तो गाइस अभी हम इस वक्त गटर में गाड़ी चला रहे हैं अपनी। चलो भाई गाइस जी आपा नहीं मिला कल आएंगे। तेरी गाइस भाई वापसी जाना पड़ रहा है, इतनी मुश्किल से गली में गाड़ी डाली, इतनी मुश्किल से गाड़ी खड़ी करी और अब जो है उतर के गए। तो पता लगा कि यार ये जो मोरे वाले हैं ना वो बैठते तीन से छह पहले साल पहले आए थे इनके पास। मैं 8-10 साल पहले आया था। पहुंच गए जी घर, लेट्स गो। अभी तक थोड़ा सही चल पा रहे हैं, सुबह शाम में तो नहीं चल नहीं पा रहे थे। टांगे मुड़ रही है ना, सीढ़ी को चढ़ते हुए मुड़ रही है ना। हाँ दर्द कम हो रहा, सीढ़ी करते हुए दर्द हो रहा है। पापा बोले मुड़ते हुए दर्द नहीं हो रहा। अरे खोलो, डॉक्टर नहीं मिला। भाई दरवाजे से ही डॉक्टर ने बोला कि भाई कल आना आप, बंद था वो। मम्मा ने क्या किया? क्या किया, कुछ कर दिया क्या? मम्मा थोड़ी देर पहले मेरे पास आई बुरी सुबह, माइक्रोवेव में शायद छोले पड़े हुए। हाँ? मैंने कहा मैं आपसे पूछती कि आपने छोले बनाए नहीं बनाए। मम्मा छोले रख के भूल गई माइक्रोवेव में। हाँ क्योंकि मैंने ना ये ठंडे हो रहे थे फ्रिज में रख दिए थे, तो मैंने सोचा कि चलो गरम गरम
रखूंगी तो उसके बाद ये हुआ कि मैं भूल गई, इन्होंने पूछा ही नहीं कि छोले तो छोले पड़े रहे, मतलब आज वो अफ्तार में छोले नहीं आए, नहीं आए, इन्होंने याद भी नहीं दिलाया ना। ओ माय गॉड, ये करना था आज का बटक दादा की कमर दबा दो बटक अच्छा गुस्सा तो किया आपने आज लेकिन डर गया क्या ये भारी था हाँ इसकी वजह से चीखे थे किसी को पता है ये क्या हुआ है तो बताएं प्लीज गाइस ये मुझे पता है डॉक्टर तो खुद घर में है वो देखो ना टोपी वाला डॉक्टर टोपी वाला डॉक्टर ये डॉक्टर को किचन के काम भी आते हैं डॉक्टरी भी आती है सब कुछ आते हैं ओए खड़ो के दिखाएं गाइस पूरे 10 मिनट तक दबा दिया मैंने है ना जहाँ वो बता रहा था ये दबाए मोरे वाले के पास कल जाएंगे ना इंशाल्लाह वो बिठाएगा उसको बिछल के देखा थोड़ा सा बेहतर हुआ अब नहीं नहीं खड़े होने से सही है नहीं खड़े होने से पता चल रहा है ना थोड़ी सी और उसकी नीड है दबाने की और वो नस खोलने की गाइस पापा को थोड़ी दबाया बाकी शॉर्ट थोड़ी सी नस खोल दिया बाकी मैं मोरे वाला तो नहीं हूँ मोरियल के पास जाएंगे तो वो सही बताएगा कि भाई इधर तरह दो रहा है अच्छा भाई ये मसला अच्छा इधर तरह दो रहा तो ये मसला है रमजान में जो हमें इतनी वीकनेस फील होती है ना वो फील इसलिए होती है क्योंकि हम पानी जो है वो कम पीते हैं तो ये कहूंगा कि भाई जैसी रोजा खुले वैसी पानी की 2 बोतल तो लाजमी पियो भाई ज्यादा जो वीकनेस होती है ना वो पानी की कमी की वजह से होती है पूरा गलती कर दी है चाहिए क्या था इसमें से ये पूरा गिराना पड़ गया क्या नौबत आ गई जिसको पूरा गिराने का एक एक करके निकाला करो ना पूरा फैला दे तो एक साथ कौन पड़ रहा था भाई ये किसके लेकर आई थी भाई अच्छा मेरे लेकर आई थी थैंक यू सो मच उतरो यहाँ से गिर गए तो फिर सर पर फट जाए उतरो यहाँ कहाँ चढ़ रहे हो ये तुम क्या सीख रहे हो उल्टी फुल्टी जगह पे चढ़ रहा है इधर से गिर भी सकता है यार इसको लग जाएगी कहीं उतरो जल्दी उतरो उल्टी फुल्टी जगह पे चढ़ रहा है मॉम गिर गिरा जाएगा वो देखो ये क्या बन रहा है स्पाइडरमैन भासिल बेटा के तुम्हारे पे दूरबीन लगा के बैठी है क्या मम फिर चढ़ कर तुम यहाँ पर ब्लॉग को इधर से एंड करते हो उम्मीद है आपको पसंद आएगा ब्लॉग को लाइक कमेंट सब्सक्राइब मस्त कर दो यार कल जो है ना मेरी तबीयत खराब हो गई थी रात को मैं शहरी में जो ना पैनाडोल खा के सोया था मतलब एक गोली खाई थी कि तबीयत ठीक रहे तो बस दुआ यही करो कि यार तबीयत ठीक रहे वरना जो है ना रमजानों में अगर तबीयत खराब हो जाए आपकी तो फिर जो है ना आपका रोजा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको जब बुखार हो रहा हो फीवर हो रहा हो और आप कुछ ना खा पाओ ना पी पाओ तो उससे यार अल्लाह बचाए यार बस बीमारी से बचाए ताकि जो है ना रोजे पूरे रखा तो बाय बाय अल्लाह हाफिज़ टेक केयर ख्याल रखो खुश रहो थैंक यू सो मच टेक केयर